चलिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम के अंदर देखे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इनफाइनाइट सीरीज वाले जो अवकलन के अंदर आते हैं। इसका अवकलन कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, वाई को लेकर चलेंगे। वाई बराबर क्या है, वाई बराबर क्या है भाई हमारा, वाई बराबर है साइन एक्स की पावर साइन एक्स और इनफाइनाइट तक जा रहा है। मैं कह रहा था ये इनफाइनाइट टाइम लिखे हुए हैं, बहुत अनंत बार लिखे हुए हैं। अगर मैं इसमें से एक साइन को हटा दूँ तब भी तो ये अनंत ही है, अगर अनंत में से एक साइन कम कर दूं तब भी तो ये ऊपर वाला अनंत ही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा भाई, मैं कह रहा इस वाले साइन को ढक लेंगे, उसके बाद जो बचा वो भी तो लगभग वाई के बराबर ही है। इन सवालों का तरीका यही है कि एक पहले वाले पद को ढक लो, जो बचा उसको वाई लिख दो। कर दो भाई ऐसा, वाई बराबर क्या है भाई, साइन एक्स की पावर वाई, वाई बराबर साइन एक्स की पावर वाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या तरीका है भाई, इधर हो जाएगा लॉग वाई बराबर, उधर भी लॉग ले लेंगे लॉग, यहाँ पर क्या है साइन एक्स की पावर कितनी है वाई। लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग की जो पावर होती है अंदर उसको बाहर छोड़ देता है, तो वाई नीचे आ गया लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से। लॉग में एक गुण होता है कि घात को नीचे उतार देता है, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। क्या तरीका है भाई, सबसे पहले इसका करेंगे, लॉग वाई का अवकलन होता है 1/y, फिर वाई का भी कर देंगे, वाई का होता है dy/dx बराबर, यहाँ लगा देंगे फर्स्ट और सेकंड। क्या तरीका है भाई, ये फर्स्ट है पहले की नकल, दूसरे का अवकलन, ये होता है फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला, गुना का फॉर्मूला अवकलन के अंदर, प्लस दूसरे की नकल यानी दूसरा झुका तू, दूसरे में कोई फेरबदल नहीं, और अवकलन किसका, पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन। एक बार फिर देख लें, फर्स्ट ऐसा कैसे ही, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसा ही और पहले का अवकलन, यहाँ से क्या मिला 1/y dy/dx बराबर, यहाँ का चल रहा वाई, इसका करो एक बार, लॉग एक्स का, लॉग साइन एक्स का होगा 1/sin x और फिर साइन एक्स का भी कर देंगे तो कोस एक्स, लॉग साइन एक्स का होगा 1/sin x फिर साइन एक्स का भी कर देंगे कोस एक्स, प्लस आगे चलो यहाँ पर क्या चल रहा भाई मेरे, लॉग साइन एक्स इंटू वाई का क्या होता है, वाई का होता है dy/dx। इतनी बात सबको क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या मिला, उधर से मिला 1/y dy/dx बराबर, यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर मिला वाई कोट एक्स। एक बार मैं दिखा दूँ जिससे दिक्कत पैदा ना हो, ये तो वाई है, कोस बटे साइन क्या होता है कोट एक्स, प्लस इधर से क्या मिला भाई, इधर से मिला लॉग ब्रैकेट साइन एक्स इंटू में dy/dx। एक काम करते हैं, dy/dx वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं, इधर क्या है 1/dy/dx पहले से ही था, उधर से कौन आया माइनस के लॉग ब्रैकेट साइन एक्स इंटू dy/dx बराबर में क्या चल रहा वाई कोट एक्स। इतने में कोई दिक्कत, dy/dx ले लो कॉमन अंदर से, जब dy/dx कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा 1/y, यहाँ पर क्या बचा लॉग ब्रैकेट में कितना साइन एक्स, और बराबर में क्या चल रहा भाई वाई कोट एक्स। इतनी बात क्लियर, यहाँ क्या हुआ dy/dx ब्रैकेट इसके बटे में एक मान लो, इसकी गुणा इसमें करो एक, इसकी गुणा इसमें करो y log sin x अपॉन इसकी इसमें करो y बराबर कितना आ गया y cot x, इस y की गुणा ऊपर कर दो। जब इस y की गुणा ऊपर करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा dy/dx ब्रैकेट 1 y log ब्रैकेट sin x और उधर मिला y स्क्वायर कोट एक्स, क्योंकि ये वाई इधर का स्क्वायर हो गया। ये टर्म किस में है, गुणा में, इस पूरे टर्म को वहाँ भाग में लिख दो तो क्या आ जाएगा हमारा dy/dx बराबर वाई स्क्वायर कोट एक्स बटे ये सब 1 y log ब्रैकेट साइन एक्स। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर है। देखो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आ चुका, यही हमारा आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का तरीका फिर दोबारा बता दूं कि इनफाइनाइट सीरीज के अंदर पहले वाले टर्म को ढक लो, ऊपर वाला जो भी बचा इनफाइनाइट में जो भी बचा उसको वाई लिख दो और वाई लेके लॉग ले लो और फिर प्रक्रिया तुम्हारे सामने है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं।